कहाँ जा रही है? स्कूल? आज मायरा का स्कूल। पढ़ो गया स्माइल। कैसा लग रहा है आज स्कूल जाने में? बहुत अच्छा। मैं देखना चाहती हूँ क्या होगा स्कूल में। हाँ, तो मानो अभी ये रेडी। चलिए फिर, ये रहा मायरा का लंच। ये रहा चना पूड़ी और फ्रूट, और इनका होता है फूड ब्रेक भी। तो चलिए, और मायरा भी खाना खा रही है। तो बच्चे हो गए रेडी स्कूल के लिए, अभी आए नहीं है, धीरे धीरे आएंगे बच्चे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपा रावत, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है दीपा ऑन व्हील्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे से ही होंगे। मानू चली गई है आज स्कूल, आज उसके स्कूल ओपन हो गए हैं, और पापा तो उसके ऑब्वियसली हमेशा की तरह ड्यूटी, दोनों एक बजे आएंगे। मैं घर में अकेली थी, फिर मैंने क्लीन किया घर और सो भी गई। तो अभी मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, एक बजे दोनों आ जाएंगे। लंच की तैयारी कर रही हूँ मैं, और शूट नहीं कर पाई मैं क्योंकि ट्राइपॉड नहीं है, तो ऑब्वियसली आप लोग समझ रहे होंगे, तो मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं हो रहा है। अभी 2 से 3 दिन और लग जाएंगे ट्राइपॉड आने में, और काम तो मुझे बहुत है, बहुत चीज़ें मुझे शूट करनी है, बट क्या करूँ मैं। और चलिए फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, जब मानू और मानू के पापा दोनों आ जाएंगे। तो ये आ गए हैं ड्यूटी से। मशीन खराब हो रखी है, ये मशीन थोड़ा सा इसमें तागा फंस गया था, तो भारी चल रही थी, तो ये मेरी मशीन ठीक कर रहे हैं। और मानू की यूनिफॉर्म बहुत ढीली हो रही है, पिछले साल लाए तो बड़ी हो गई थी, हम बड़ी लाए थे तो ज़्यादा ही ढीली हो रही है स्कर्ट, तो मुझे उसको भी वो करना है। और पीछे पड़े हैं मेरा सूट, मुझे सूट कट करके सिलना है, तो मशीन ख़राब हो रही है, तो ये मेरी मशीन ठीक कर रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे? दो सूट ले रहे हैं बाज़ार से कल, तो मशीन ठीक हो जाएगी तो फिर उनको सिल लेंगे। हाँ हाँ, इतना ढीला घूमना चाहिए, चुपका है, टाइट घूम रहा है, ढीला तो ढीला घूम रहा है। दिखाओ नाश्ता, दिखाओ। हाँ ऐसे, ये इतना ही ढीला रहना चाहिए, ये कस देता है इसको, ये इसको देखो कैसे करना है। तो यहाँ का ये, मुझे इसका नाम वाम कुछ नहीं पता, बाकी सब कुछ पता है सिलाई करना। तो अब तो मायरा भी स्कूल जाने लग गई, मैं सारा दिन खाली हूँ। अब चाहे मैं रात को सुबह 4 बजे सोऊँ, चाहे कितने बजे सोऊँ, वैसे मैंने अब सुबह मतलब जल्दी रात को जल्दी सोने का कर लिया, क्योंकि ब्लॉग की टाइमिंग मैंने शाम की कर दी, अब सुबह की करी नहीं है। तो ऐसी कोई बंदिश नहीं, मैं रात भर ब्लॉग को एडिट करूँ और फिर डालूँ सुबह, तो इसलिए तो खाली बैठ के मैं सिलाई करूँगी। टाइट हो गया फिर से? चलो लगाओ फिर। चलिए मैं इसको फिक्स करने के बाद देखते हैं। तो हो गई मेरी मशीन ठीक, अब इसमें ऑयलिंग करनी है, फिर ये आवाज़ नहीं करेगी क्योंकि बहुत दिनों बाद निकाली है मैंने, कर दी ख़राब मशीन ठीक। तो चले हम स्कूल से आ गए हम, हालत पूरी अंदर पसीने पसीने, वो गाड़ी में भूख हो रही। चलो मम्मा, सेक्शन में क्या कर रहा है? नमस्ते बाबू। हर्षिनी कहाँ है मानो? हर्षिनी आगे वो पीछे से। मम्मा सेक्शन अपना अलग हो गया। तो मानू आ गई है स्कूल से, अब ये लोग कर रहे हैं लंच। कुछ ज़्यादा खास नहीं बनाया है मैंने, बस भिंडी की सब्जी। तो आ जाओ दोस्तों लंच करने के लिए, आज फर्स्ट क्लास चटनी बनी है, भिंडी की सब्जी है, दाल है, और राइस, दिन में हम चावल के बिना रह नहीं पाते हम, तो मिलते हैं आपको लंच करने के बाद थोड़ी देर में। मानू आज खुश नहीं है क्योंकि, चलो कोई बात नहीं। तो ये रहा मेरे घर का हाल, देखिए 2 दिन फास्ट रहा मेरा, तो उस समय कहते हैं कि कैची नहीं चलाई जाती, तो कल टाइम नहीं मिला, बर्थडे पार्टी वगैरह थी और कुछ और काम भी थे,
तो आज मैं फ्री हुई हूँ तो अब मैं करने लगी हूँ। तो मैं अब काटने लगी हूँ समीज, क्योंकि मेरी कुछ जॉर्जेट की कुर्तियाँ हैं तो काफ़ी ट्रांसपेरेंट होती हैं, तो उनके लिए मैं अपने लिए ये समीज काट रही हूँ। एक मैं बहुत पहले पिंक बना चुकी थी तो बीच में, तो आज मैं ये वाली बनाऊँगी। तो सुबह से मतलब बिना ट्राईपॉड के शूट करने का मन ही नहीं, तो अभी मैंने क्या करा, फेविक्विक से ट्राईपॉड को चिपका दिया है और सच में काम कर रहा है, टच वुड मेरा काम हो रहा है। तो उसी ट्राईपॉड से मैंने अभी कटिंग कर ली सामने रखकर, तो मैं आपको दिखाती हूँ फेविक्विक से, सॉरी पीछे का इग्नोर करिएगा, मैंने अभी कटिंग करी है, अभी भी समेट लूँगी मैं। तो मैं आपको दिखाती मैंने फेविक्विक से कैसे इसको मतलब चिपका लिया है। दो तीन दिन काम चल जाए फिर तो मेरा नया ट्राईपॉड आ ही जाएगा। तो ये है, मैंने इसको चिपका दिया, ये वाला हिस्सा इसका टूट गया था तो यही मैंने इसको चिपकाया है और अभी तो काम कर रहा है। मैंने वैसे और पैकेट भी मंगाए हैं, एक दो घंटे मेरे कैसे भी निकाल दिए हैं शूटिंग के तो बस। और मायरा आज ट्यूशन नहीं गई, और क्योंकि मायरा आज स्कूल से आई है, इतना रोई है वो, इतना रोई है कि उसको लास्ट ईयर वो फर्स्ट सेक्शन मतलब ए सेक्शन में थी, सेकंड ईयर में वो ए सेक्शन में थी, अभी उसको सी सेक्शन में कर दिया। तो मतलब स्कूल से आई रोते रोते है, और उनकी बोल रही है मतलब इनकी लास्ट ईयर क्लास टीचर थी मिस, वो इसकी इतनी फेवरेट मैम थी कि उन्होंने वो मैथ पढ़ाती थी, इसने उनका मैथ का सब्जेक्ट भी अपना फेवरेट सब्जेक्ट बना लिया था। आज मतलब रो रही थी, मम्मी मैं सी सेक्शन में चली गई और मुझे ए सेक्शन में ही जाना है, मुझे ए सेक्शन में ही जाना है। रीमा, मैंने उसको मतलब समझाया, बेटा सब एडजस्टमेंट हो जाता है, सबसे दोस्ती हो जाती है, ये हो जाता है वो जाता है। कह रही तो रीना मैडम नहीं है, मेरे फ्रेंड्स भी ए सेक्शन में चले गए, तो चलिए फ्रेंड्स तो बच्चे और बना लेगा, बट ये जो मैडम के लिए रो रही है वो मेरे समझ से बाहर है कि मतलब 3 बजे ये मेरे पास आई और मतलब गले लग के रो रही है, और फिर मैंने इसको देखा तो उसको फीवर आ चुका, और फिर उसके बाद मैंने इसको मेडिसिन दी और सुला दिया और वो अभी भी सो रही है। देखिए अब कल जाते हैं, देखते हैं सेक्शन चेंज करवाने के लिए, आई होप मैडम सेक्शन चेंज कर दे, क्योंकि फिर अगर बच्चा खुश नहीं है तो कोई मतलब नहीं होता। और मानू तो वैसे भी ज़्यादा
कम घुलती मिलती नहीं है हर किसी से, क्योंकि शुरू से उसको ऐसी आदत पड़ गई है, तो सेक्शन चेंज कराते तो अच्छा है, वरना मुझे भी सुबह सुबह अच्छा नहीं लगेगा कि मन नहीं लगेगा मुझे सारा दिन कि बच्चे का मन नहीं लग रहा है। और चलिए मिलते हैं, और अभी मैं मायरा से आप लोगों की खुद ही बात कराऊंगी। ग्रेट हैप्पी फील सेफ आवर फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हेलो दोस्तों, तो अभी बच गए हैं रात के 10। मायरा जो है सो चुकी है, और अब मैं इस ब्लॉग का एंड करने लगी हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं कल नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट। और हाँ, जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।